पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हमने बात की लास्ट डे द्विपद में क्या होती है, तो उसके बारे में कुछ आपको बेसिक समझ सिखाए थे कि इसका पाँचवा पद कौन सा ज्ञात करेंगे, मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे एवं इसमें कुल कितने पद होंगे। तो इसके बारे में आज लास्ट हमने सीखा था कि क्या करेंगे, और इसके बाद हम अगला टॉपिक पर आने वाले हैं कि इसका मध्य पद कैसे ज्ञात किया जाता है। इसका एन बार गुणांक ज्ञात करो, एक्स की पावर एन का गुणांक ज्ञात करो, इसका मध्य पद ज्ञात करो, अंत से एन पद ज्ञात करो। तो इसको भी हम सीखने वाले, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में हर साल आते हैं क्वेश्चन, और लिख लीजिए 2022 में इस बार जरूर आपका क्वेश्चन आने वाला होगा इसमें। तो देखिए, उसी को हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले लास्ट में आपको इसमें बता देते हैं, पहले देखिए कि एक्स प्लस ए की पावर एन दे रखी हो, तो हम इसमें पाँचवें पद का विस्तार निकालते हैं। इस प्रकार से हमने आपको लास्ट डे सम्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए एक बार रिवाइज करा देते हैं क्वेश्चन। जैसे आपसे पूछा कि इसमें कुल किसी पद दे रखा है, जैसे एक्स प्लस एक की पावर एन दे रखा है, उसमें पूछा कि इसमें कुल कितने पद हैं। तो देखिए, एक्स प्लस एक की पावर एन दे रखा हो, जब भी आपको यानी कि इस फॉर्म में कोई सम दे रखा हो, उसमें पूछा कि इसमें कुल कितने पद हैं, तो याद रख लीजिए एन प्लस वन इसके अंदर फॉर्म होते हैं, यानी कि एन प्लस वन इसके अंदर टर्म्स यानी पद होते हैं। अगर आपको इसमें तीन पद दे रखे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एन दे रखा, तो इस प्रकार से इसमें एन प्लस वन अपन एन प्लस टू अपन टू, इस प्रकार से मैंने आपको सिखा दिया था उसको डिटेल में, जिसका आपको लिंक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें आप देखकर आसानी से देख सकते हैं। आज हम इसी के आगे पढ़ने वाले हैं बड़ी बेसिक से। देखिए, तो देखिए इसमें लिखा आपका दोस्तों टॉपिक, इसमें इस एक टर्म दे रखा आपको एक्स प्लस ए की पावर एन, इस रूप में आपको कोई सवाल आ सकता है एक्स प्लस ए की पावर एन के रूप में, उसमें पूछा गया इसका मध्य पद ज्ञात करो। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, इसका मध्य पद हमको ज्ञात करना। तो देखिए, मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे सिंपल तरीके से जब भी आपको इस तरह का सवाल दे रखा हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए तो सबसे पहले आपको एन की वैल्यू निकालनी है, जैसे आपको तुलना करनी होती है, तो एक्स प्लस ए की पावर एन से आप तुलना करेंगे, तो एन का मान किसके बराबर, एन का मान हमारा किसके आएगा 9 के बराबर आएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आपकी 9 आ गई। इस प्रकार से हमारी एन की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें एन का मान कैसा, सम है कि विषम है। दोस्तों कैसा है, विषम, जब भी आपका इस प्रकार से विषम हो, तो इसका आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, कुल पद ज्ञात करना मैंने आपको सिखा दिया था कि इसमें कुल पद कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी आपको सिखाया मध्य पद ज्ञात करते हो, कैसे ज्ञात करना है, एक फॉर्मूला हमने लिखा था आपको, देखिए कि मिडिल टर्म यानी कि मध्य टर्म यानी कि मध्य पद बराबर होता है आपका, यदि आपका एन का मान कैसा विषम हो, तो क्या करेंगे इसमें हमेशा एन प्लस वन, क्या एन प्लस वन अपॉन टू से भाग कर देंगे, एन प्लस वन अपॉन टू से भाग कर देंगे, तो आपको मध्य पद ज्ञात हो जाएगा, ठीक है इस प्रकार से। तो देखिए, एन की वैल्यू कितनी हमारी 9 है, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर 9 प्लस वन अपॉन टू, यानी 10 अपॉन टू कर देंगे, यानी कि आपका आंसर क्या 5, यानी इसका मध्य पद क्या होगा आपका 5 बार, इसका क्या है जो मध्य पद है, देखिए 5 बार इसका क्या मध्य पद है, इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसी ऊपर डिपेंड लिखा है, इसमें लिखा है एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर की होल पावर 36, एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर की पावर 36, इसका हमको मध्य पद ज्ञात करना। तो देखिए, कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले इसमें क्या तुलना कर लेते हैं। देखिए, तो एक्स प्लस ए की पावर एन से हम तुलना करते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी, एन की वैल्यू हमारी आ गई इसमें 36, ठीक है। 36 कैसा, एक सम नंबर है कि इवन नंबर, 36 इज अ इवन नंबर, यानी कि एक सम नंबर है, ठीक है, सम संख्या। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है मध्य पद का, यानी मिडिल टर्म का, देखिए मिडिल टर्म यानी कि मध्य पद इक्वल क्या होगा, एन अपॉन टू से सिंपल सा भाग करते हैं, यानी देखो 36 आपका क्या है, इस प्रकार से लिखा 36 अपॉन टू, हमने 36 से भाग किया, तो यानी कि मिडिल टर्म यानी कि एम टी इसका कितना गैट हुआ आपका 18, यानी कि इसमें जो 18 है कि आपका इसमें मिडिल टर्म यानी कि इसका मध्य पद हमको ज्ञात करना आगे। देखिए, जो आपके क्वेश्चन में हर बार 2 से 5 नंबर क्वेश्चन में, वैसे 5 नंबर ही 2 नंबर में आपका क्वेश्चन फिक्स आएगा कि इसका मध्य पद ज्ञात करो, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन कर लिया। इसके हम आने वाले रॉन्ग क्वेश्चन पर देखिए, तो इससे पहले आपको इस तरह का एक समर करा देते हैं। देखिए, इसमें लिखा x माइनस वन अपन टू एक्स की पावर होल पावर कितनी है आपको 110 रखी, 110 दे रखी, इसको कैसे मध्य पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन x प्लस ए की पावर n से तुलना कर देंगे इसकी, तो n का मान कितना आ जाएगा आपका, देखिए n का मान हमारा 110 आया, 110 एक कैसा नंबर, एक सम नंबर, कैसा है, एक ऐसी सम संख्या है। तो देखिए, 110 हमारे कैसे सम संख्या, तो इसके लिए सम संख्या में बताया था इसका मिडिल टर्म यानी कि एम टी कैसे ज्ञात करते हैं, एन अपॉन टू सिंपल से लगा, और आपका विषम टर्म है तो क्या करेंगे, एन प्लस वन अपॉन टू से भाग कर देंगे, और आपका सम संख्या तो एन अपॉन टू से सिंपल से भाग कर देना। देखिए,
तो एन की वैल्यू कितनी है हमारी 110 है, तो देखो 110 मैंने यहाँ लिखा अपॉन 2 से भाग कर दिया, क्या आ जाएगा आपका 55, यानी 55 इज योर मिडिल टर्म, यानी 55 आपका क्या यहाँ पर एक मध्य पद इसका ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से हमने सीख लिया। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं धीमे धीमे। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, इसमें लिखा है 2x + 3x² 2x + 3x² की होल पावर 6 के विस्तार में 13वां पद ज्ञात करो। इस तरह क्वेश्चन आपको डेफिनेटली लॉन्ग में क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको मैंने लास्ट टाइम ही आपको थोड़ा सा बताया था कि इसको कैसे हल करते हैं, देखिए इसको दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन दे रखा हो, उसमें लिखा है 2x + 3x² की होल पावर 6 के विस्तार में 13वां पद ज्ञात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, लिख लीजिए। इसमें 100% लॉन्ग में आ सकता है। इसमें ऐसे लिखा 2x + 3x² की होल पावर 6 के विस्तार में 13वां पद ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस ए की पावर n से तुलना करते हैं। तो x प्लस ए की पावर होल n से तुलना करने पर, तुलना कहेंगे तो एक्स वन कितना आएगा आपका, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x के बराबर, और ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ए की वैल्यू 3x² के बराबर आएगी। तो देखो 3x² के बराबर हमारी ए की वैल्यू आ गया। और एन का मान कितना है आपका हमारा, देखो दोस्तों एन की वैल्यू हमारी कितनी है 6 के बराबर, देखिए एन की वैल्यू हमारे 6 के बराबर लिख लिया। इस प्रकार से हमने इनके मान लिख लिया। इसका देखिए आपको कौन सा पद ज्ञात करना, 13वां। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर टी आर प्लस वन इक्वल एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर। इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कौन सा पद ज्ञात करना, छठवां। तो छठवां क्या, छठवां नहीं, छठवां तो उसका नंबर है। आपको 13वां पद ज्ञात करना, कौन सा, 13वां पद। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे टी 13, ठीक है। तो हम 13 के लग सकते हैं 12 + 2 लग सकते हैं 12 + 1, यानी कि 13 के लग सकते हैं 13 को 12 + 1। तो यानी कि जो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके, देखिए 13 के आपका n बा मान है और 12 का मतलब क्या होगा r, तो n प्लस वन इस प्रकार से लिखा। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारी 13 सी आर, और x का मान कितना आया था हमारा 2x। तो देखो 2x हम यहाँ पर लिखते हैं की पावर n माइनस r, तो n का मान कितना 13 माइनस आर की वैल्यू कितनी 12, इस प्रकार से लिखा। और ए का मान हमको ज्ञात करना, तो ए की वैल्यू कितनी हमारी 3x², तो 3x² हमने यहाँ पर लिखा। और इसकी आर की वैल्यू कितनी ज्ञात की हमने दोस्तों, आर की वैल्यू हमारी इसमें 12, तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया 12। अब इसको और हल कर लेते हैं, 13c² इस प्रकार से मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इसको 13 में से 12 आएगा 1, यानी कि क्या 2 की बाद 2, 2x की पावर कितनी 1 आ गई, और 3x² की पावर इसको अलग अलग कर देते हैं, 3 की पावर 12 कर देते हैं, और यहाँ पर, और यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा एक्स, 2 दूनी 4 और 2 एकम, यानी कि 12 को ना दूना करेंगे यानी कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि एक्स की घात कितनी 24 आ गई। तो इस प्रकार से देखिए इस नंबर को लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 12 भाग लिख लिया 13c12 2x और एक्स की पावर 24, इस प्रकार से इसको हल कर लेते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से 2 × 3 की घात 12 13c12 एक्स की घात 1 यहाँ पर और 24 यहाँ पर, तो यानी एक्स की घात कितनी टोटल 25 हो गई। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया, यानी 13वां पद कितना आपका ज्ञात हुआ इसमें से 2 × 2 × 3 की घात ओके 12 13c2 ओके और एक्स की घात 25, इस प्रकार से हमारा यानी 13वां पद हमको ज्ञात करना आ गया। ये बड़ी सिंपल तरीके से सीखा, यानी कि लॉन्ग में आपका हर बार क्वेश्चन आता ही है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल हॉट क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें लिखा है आपका क्या, इस प्रकार से आपको कोई टर्म दे रखा हो, उसमें लिखा होगा क्या x + a की पावर n, क्या एक्स प्लस ए की पावर टर्न में आपको कोई नंबर दे रखा हो, उसमें पूछा जाएगा कि विस्तार में एक्स की पावर एन का गुणांक ज्ञात करो, कि विस्तार में आपको एक्स की पावर एन का गुणांक ज्ञात करना है, इसका को फैक्टर आपको ज्ञात करना है। देखिए तो जब भी इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा, तो आपको इस फॉर्म में इसको बना लेना। देखिए ऐसे सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको दे रखा इस तरह से, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर एम की होल पावर पी के रूप में इसको बना लेंगे, जहाँ में एक्स की पावर क्यू का गुणांक क्या हो, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा मुझे पता है। अब इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं इसका मतलब होता है क्या। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है, अब इसको हम बदलना कोशिश करते हैं इसी फॉर्म में। देखिए तो इसको मैं क्या मानता हूँ, ए एक्स की पावर एन से तुलना करते हैं। देखिए तो मैंने लिखा यहाँ पर ए एक्स की पावर एन, इसको लिख रहा ठीक है, प्लस बी अपॉन एक्स की पावर एम की होल पावर पी से क्या कर दी मैंने, तुलना से तुलना कर दी ठीक। अब इसमें तुलना करें तो देखो आप ए की वैल्यू जानते 3 होगी और एक्स की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पर एक्स के बराबर, लेकिन एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो एन की वैल्यू बदल होगी, यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखो 2 लिख लिया दोस्तों मैंने ओके, एन की वैल्यू 2 है आपकी, और देखो और बी की वैल्यू कितनी है आपकी कुछ भी, यानी 1 है आपके ओके, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 − 3x ले सकते हो। और देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपके, देखो एक्स की पावर एम है और एक्स के यहाँ पर लिखा, तो एक्स की पावर कितनी 1, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी आपकी हमारी 1,
देखिए दोबारा से, एक्सी पार कितनी एम है यहाँ पर और एक्सी पार कितनी एक यहाँ पे, यानी कि 3x लिखा है कि एक्सी पार कितनी केवल एक है, तो एम की वैल्यू कितनी हमारी एक हो जाएगी, याद रखना इसको, एम की वैल्यू कितनी हमारी हो जाएगी एक, ठीक है। तो एन और एम की वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया, पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, पी की वैल्यू कितनी हमारी 9, देखो पी की तुलना से करेंगे तो 9 हमारी वैल्यू आएगी पी की, ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात कर लिया। और आपको क्या ज्ञात करना, एक्स की पार सिक्स का गुणांक ज्ञात करना, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब देखो, अब इसको हम आर, पहले हम आर के बाबत निकालते, तो आर की वैल्यू निकालते, देखिए तो आर और आपने फॉर्मूला लिखा था कि आपका एन पी माइनस क्यू एन प्लस एम, तो देखो एन की वैल्यू कितनी निकली थी 2, हमारी 2 लिखेंगे, पी की वैल्यू 9 लिखी तो मल्टीप्लाई 9 कर देंगे इसका, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 गुणा 9 कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा एन पी। और क्यू की वैल्यू आपको कौन सा एक्स या छठवां पद ज्ञात करना, तो छठ के मैंने 6 का मतलब क्या होगा क्यू, तो देखिए 6 लिखा मैंने यहाँ पर, और एम और एन की वैल्यू कितनी, इन दोनों का एडिशन, ठीक है, 2 प्लस 1 का एडिशन करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो देखिए 2 प्लस 1 लिख लेते हैं, इस प्रकार से 9 दूनी 18 हो जाएंगे आपके, माइनस 6 अपॉन 3, तो 18 में शायद कितना हो जाएगा 12/3 यानी कि 4। तो हमारी आर की वैल्यू कितनी ज्ञात होगी दोस्तों, आर की वैल्यू हमारी आ गई 4, आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। अब देखो क्या ज्ञात करना आपको, एक्स की पावर एन का, यानी एक्स की पावर छठ का आपको गुणांक ज्ञात करना था, देखिए तो दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए इस प्रकार से हमने वैल्यू ज्ञात के लिए आपको क्या करना, एक्स के 6 का आपको गुणांक ज्ञात करना था, देखिए एक्स के 6 का गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको लिख लेना क्या एन की वैल्यू, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आपकी 6, तो लिखेंगे 6 नहीं आपकी कितनी 9 है, तो 9 लिखेंगे यहाँ पर 9c। आर की वैल्यू कितनी एन सी आर होता है ना, देखो तो एन की अगर यहाँ पर पी का यूज़ कर रहे हैं, देखो पी पी आर पी सी आर लिख देते हैं ओके ना, तो एन की वैल्यू कितनी हमारी 9 है, तो लिख दिए 9, और आर की वैल्यू कितनी, तो 9c4 ओके, इस प्रकार से हमने लिख लिया इसको 9c4, यानी कि एन सी आर लिखते तो एन सी आर, एन की वैल्यू हमने क्या माना, एन को पी और आर माना, तो क्या हो जाएगा आपका 9c4। अब देखो एक्स की पावर कितना आपको, एक्स मतलब क्या होगा यहाँ पर, इस टर्म का कितनी वैल्यू 3 ओके, तो एक्स की वैल्यू लिखती 3 ओके, एन माइनस आर कर देते हैं, तो एन माइनस आर यानी कि ओके पी माइनस आर करते हैं, तो 9 - 4 गया, इस प्रकार से लिखा, और ए की वैल्यू कितनी हमारी -1/3, देखो -1/3 इस प्रकार से हमने लिख लिया, इसकी बार कितनी आर कर देते हैं, इस प्रकार से मैंने लिख लिया। अब इनको और हल कर लेते हैं, 9c4 और 3 की बार कितना हो जाएगा 5 आपका ओके, और जब 3 को, जब 3 की घात देखिए 1/3 की 4 है, तो 3 का मतलब क्या होगा 1/3 की 4 करेंगे, तो 3 * 3 = 9, 9 * 3 = 27, 27 = 81, इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं, 3 * 3 = 9, 3 * 3 = 9, 27 * 81, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया 1/81 प्लस में आपके आपका आंसर। और इसको और भी हल कर लेते हैं, चाहे आप चाहें तो इसको और सरल कर लेते हैं, देखिए ऐसा मत करो बिल्कुल भी, तो 1/3 की पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको और हल कर लेते हैं यहाँ पर साइड में, तो 9c4 लिखा मैंने यहाँ पर, 3 की घात कितना 5 है आपका, और यहाँ पर 3 की घात 4 है, ठीक है, जब ये 3 की घात 4 ऊपर जाएगा कितना जाएगा 9c4 गुणा 3 की घात 5 में 4 जाएगा कितना जाएगा 9c4 गुणा 3 की घात 1, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, इस प्रकार से हमारा गुणांक ज्ञात हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से आपको गुणांक ज्ञात करना है, आप इसको और भी हल कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, इसको और हल करना सिखा देते हैं आपको, देखिए जैसे हमारा अभी टाइम कितना आपका कट हुआ 9c4 * 3 लिखा इस पर, ठीक है, तो देखिए 9c4 * 3 इसको हल कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या लिखना आपको एन, तो एन की वैल्यू को मैंने कितनी एन, यानी कि एन फैक्टोरियल लिखा, आर फैक्टोरियल कितना आपका 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल लिखा, और एन सी आर माइनस क्या हो जाएगा 9 - 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 लिख लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा, देखो तो आपको पहले इसको और हल कर लें, 9 * 4 फैक्टोरियल यहाँ कितना चाहिए मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल गुणा में 3 चल रहा है आपका, ठीक है, तो इसको खुलते आओ 9 * 8 * 7 * 6 * 5, देखो 5 मिल गया आपको, और 4 को भी हल कर लीजिए, 4 * 3 * 2 * 1 * 5 फैक्टोरियल पैसे लिखा इसको मैंने यहाँ लिख दिया 3, देखो 5 फैक्टोरियल कट गया, ठीक है, अब इसको और कर लेते हैं, और देखिए 3 से 3 कट गया आपका यहाँ पर, 4 * 2 = 8 हो गया यहाँ पर आपका, 2 से 2 भी कट गया, ठीक है, अब क्या बचा आपका 9 * 7 = 63, और 63 नंबर आपको करना है, 9 * 7 = 63 कर लीजिए, 63 नंबर कर लेते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 9 * 3 = 27 + 2 और 9 * 6 = 54, यानी कि इस तरह से आपका गुणांक कितना आएगा, एक्स की याद 6 का गुणांक आपको कितना आ गया 567, इस प्रकार से हमारा आंसर ज्ञात करना आ गया, देखिए एक्स वाला 6 का गुणांक कितना आपका 567, हमारा आंसर ज्ञात करना हमको आ गया बड़े आसान तरीके से, देखिए तो इतना हम सीख गए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है कि इसको गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। अब इस पर क्वेश्चन लिखा एक्स प्लस ओके 1/(x^2)8 के विस्तार में एक्स याद एन का एक्स याद माइनस वन का ओके एक्स याद माइनस वन का गुणांक ज्ञात करते हैं, तो इसको आपको क्वेश्चन कैसे करना होमवर्क में करना है, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया जो हमारे एग्जाम में हर बार आते ही हैं, डेफिनेटली आपको आते ही है क्वेश्चन इस प्रकार से।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगा। जहाँ भी आपको कमी लगे वीडियो में, आपको कोई और कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट लिख दीजिए। और आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आपके सभी सेमेस्टर की कक्षाओं को संचालन किया जा रहा है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर हो। तो आप वीडियो शेयर करें तथा दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।